क्या वजह थी पुरानी टीम को भंग कर दिया गया, नए सदस्य कौन से लाए? ऑल इंडिया की संस्था द्वारा प्रादेशिक संस्था के ऊपर पैसे के गबन का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए कि एक मीटिंग 12 जनवरी को होटल रामाडा में हुई थी और प्रदेश के महामंत्री उसका कोई भी उचित जवाब नहीं दे पाए, स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो ऑल इंडिया के द्वारा प्रदेश को सस्पेंड कर दिया गया। जब प्रदेश सस्पेंड हो गया तो सारी जिला इकाइयाँ उत्तर प्रदेश की सस्पेंड हो गई। वाराणसी में पहले मनोज खन्ना अध्यक्ष थे, संदीप चतुर्वेदी महामंत्री थे, लेकिन चूंकि AIOCD के नॉर्थ सेंट्रल जोन के उपाध्यक्ष ने संजय सिंह जी को नामित कर दिया है एज ए महामंत्री और इनको भविष्य में अपनी टीम गठित करके संस्था को सुचारू रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। हमारी गाजियाबाद की संस्था है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश, उन पर 5 करोड़ का गबन का आरोप लगाया गया था। तो उसका जो है बनारस में ही 12 जनवरी को एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने समुचित जवाब नहीं दे पाए, तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो है, जो हम लोगों की सर्वोच्च संस्था है, 8.5 लाख केमिस्टों की एकमात्र संस्था है, तो उसने जो है उत्तर प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन को उसने भंग कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर CDFEP भंग हो गई तो जितने भी जिले से वो संबद्ध इकाई थी जो है CDFEP से, वो सारे ऑटोमेटिक बर्खास्त हो गए। तो क्या हुआ कि वैक्यूम की स्थिति बन गई, केमिस्टों का कोई ध्यान देने वाला नहीं था, तो ऑल इंडिया के पास बहुत सारे कंप्लेन जा रहे थे कि बनारस में कोई ध्यान देने वाला नहीं, तो ऑल इंडिया ने एक अपने तरफ से एक व्यक्ति रिपोर्ट किया कि भाई केमिस्टों की जो भावनाएं हैं, उनके साथ जो समस्याएं हैं, और सप्लाई चेन में कोई समस्या ना हो, रिटेल चेन में कोई समस्या ना हो, कंपनियों में और स्टॉकिस्टों में कोई समस्या ना हो, इसका निस्तारण के लिए वो हमें जो है यहाँ से नामित किए हैं, और फर्दर आगे का जो भी डिसीजन होगा वो आगे हम मान करेंगे, ICD के दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे।